ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेईई 2017 है ना, तो इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन 25 नंबर का है, इसमें दिया हुआ है दो जगह में सिंपली सपोर्टेड है हमारा बी और डी पर, ठीक है, दो वर्टिकल रिएक्शन बोर्ड लग गए हैं और इसे हमारा यूटीरियर लोडिंग जो लग रहा है ए से सी तक हमारा 2 किलोमीटर का लोडिंग लग रहा है और सी पर हमारा 0.2 लग रहा है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन को बी वी और बी डी, ठीक है, तो बी वी और बी डी को रिएक्शन को फाइंड आउट हम लोग काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी ए प्लस बी डी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये दो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से और ये हमारा 2 × 12 = 24 और 18, तो पहला हमारा जो इक्वेशन आ गया बी ए प्लस बी डी 32 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा मोमेंट अबाउट डी को जीरो से इक्वेट करके, मोमेंट अबाउट डी को हम लोग जीरो से इक्वेट जब करेंगे है ना, तो हमारा यहाँ पर बी बी इंटू 12 हो जाएगा ये, इसी कारण मोमेंट यहाँ पर आएगा 12 × 0 = 4 किलोमीटर और फिर 8 × 3 ये हमारा 24 हो जाएगा -2 और ये 2 किलोमीटर का जो लोड है ये हमारे एसी स्पेन में लगेगा, ठीक है, तो एसी स्पेन हमारा 12 मीटर है तो 2 × 12 = 24, तो ये 24 × ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर और इस ट्यूबवेल का सीरी हमारा 6 मीटर मतलब 9 मीटर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी वी का वैल्यू आ जाएगा 240 / 12 = 20 किलोमीटर, ठीक है, तो ये बी वी का वैल्यू 20 किलोमीटर आ गया और इस इक्वेशन से हम लोग बी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं 32 - बी है ना, तो ये हमारा 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से रिएक्शन फोर्स पहले कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, वो पहले मतलब रिएक्शंस जो कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग हर एक सेक्शंस का अलग अलग हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, तो सेक्शन ए बी को हम लोग कंसीडर करेंगे और सेक्शन ए बी में हम लोग एक आर्बिट्री सेक्शन एक्शन बेस ले लेंगे जो कि हमारा डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस लेफ्ट सपोर्ट में है, तो हमारा इस एक्सल बेस में जो शियर फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये -2 × x आ जाएगा और बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है ये हमारा -2x × x/2 हो जाएगा, ये -x², ठीक है। उसी तरीके से सेक्शन बी सी में हम लोग एक आर्बिट्री सेक्शन एक्सल बेस कंसिडर करेंगे और ये हमारा एक्स डिस्टेंस पर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग शियर फोर्स का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। शियर फोर्स हमारा होता है समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ दैट पार्टिकुलर सेक्शन, तो हमारे इस एक्सल बेस के लेफ्ट में हमारे जो शियर फोर्स का जो वर्टिकल फोर्स हमारे 1 × 2 × एक बी बी हमारा 20 किलोमीटर वर्टिकल फोर्स और ये 2 किलोमीटर का लोड एक्स डिस्टेंस पर लगता है, तो अपवर्ड फोर्स को लेफ्ट सेक्शन में लोग पॉजिटिव लेते हैं तो +20 होगा और यूटीरियर के कारण डाउनवर्ड हो सकता है इसलिए -2x हो गया, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एक्स डिस्टेंस निकालनी है, तो बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होगा ये 20 × x - 3 होगा क्योंकि ये हमारा एक्स डिस्टेंस है और ये हमारा 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस x - 3 होता है और ये यूटीरियर लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो 2 × x × x/2 होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन आगे 20 × x - 3 - 6 होता है। इसी तरीके से हम लोग सेक्शन सी डी के लिए हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, जब सी डी में शियर फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो सिंपली हमारा क्योंकि सेक्शन सी डी को हम राइट से जूम कर रहे हैं तो डी से एक्स डिस्टेंस पर हमारा एक्सेस जा रहा है, तो शियर फोर्स से पूरे सेक्शन सी डी में हमारा -12
किलो न्यूटन हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट जो एक्सेल गैस पर होगा वो प्लस मोमेंट टू एक्स होगा, क्योंकि हम राइट में जो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद हम लोग ये इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ए बी सी डी एक्सपेरिमेंट होती है, और जब हम लोग ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, 2 का एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 किलोमीटर आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे यहाँ -9 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा, किलोमीटर मीटर। अब बी सी स्पैन में हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे, तो बी सी स्पैन में हमारा जो एक्स डिस्टेंस होगा बी पर 3 मीटर होगा, जब 3 का जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारा ये -9 ही आ जाएगा, तो ये -9 हो गया। और सी पर जब हम लोग निकालेंगे तो सी पर हमारा एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर, तो जब हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू 12 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20 × 12 -3 और 12 स्क्वायर, तो ये हमारा +36 किलोमीटर मीटर मोमेंट यहाँ पर हमारा सी पर आ गया, ठीक है। अब सेक्शन सी डी में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू +12 है, क्योंकि डी से सी की ओर ले रहे तो एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर लेंगे, तो जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 किलोमीटर मीटर आ जाएगा, और जब एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 36 किलोमीटर मीटर जा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिंपल शेयर फोर डायग्राम भी बना सकते हैं, तो ये हम लोग शेयर फोर डायग्राम भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा ए बी सी डी, ठीक है, शेयर फोर डायग्राम में बनाएंगे हम लोग ए बी सी डी पर। ए पर जो हमारा होगा इक्वेशन जो करेंगे, तो शेयर फोर का इक्वेशन नंबर 1 हमारा -2x है, एक्स इक्वल टू 0 पर 0 किलोमीटर, और एक्स इक्वल टू 3 पर ये हमारा -6 हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 1 से। फिर इक्वेशन नंबर 3 जब यूज करेंगे सेक्शन बी सी के लिए, जब हम लोग बी पर आएंगे तो एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 20 - 6 तो +14 हो जाएगा, ये हमारा +14 किलोमीटर हो जाएगा, और ये हमारा -6 किलोमीटर, ठीक है। और जब सी पर हम लोग निकाल रहे तो सी पर जब आएंगे तो हमारा ये पी का 9 12 मीटर, तो 12 का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 20 - 20 = 20 - 24 तो -4 हो जाएगा, ठीक है, तो -4 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर -4 किलोमीटर हो जाए, और सेक्शन सी डी में हमारा सी एफ फोर जो है -12 किलोमीटर, ये यहाँ से -12 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जा रहा है इस पार्टिकुलर मोल्डेड बीम के लिए, ठीक है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि शियर फोर्स का ट्रांसवर्स एंड प्रोपोर्शनल जब हम प्रोवाइड करते हैं बीम में, तो उसका कैलकुलेशन लोग शियर फोर्स के बेसिस पर करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो बीम में प्रोवाइड करते हैं वो उसका मतलब कैलकुलेशन वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बेसिस पर करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों का ही काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशंस में और स्ट्रक्चरल डिजाइन में, ठीक है, थैंक यू।